ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और हम शुरू करेंगे कुछ मैसेजेस से जो आपके लिए यूनिवर्स भेज रहा है। साथ ही साथ और भी कई टॉपिक्स हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एक रेड बॉक्स है, उस पर क्लिक करें, ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, तभी आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। मेरा इंस्टाग्राम पर भी चैनल है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, उस पर आप अवश्य जाइएगा और वहां जाकर फॉलो अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, और आज बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आपके लिए मैं लेकर आई हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे कि माँ काली का आपके लिए क्या संदेश है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। अगर आपको माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। जो यह पोटली होती है, यह आपके फाइनेंसिस के लिए होती है, ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए होती है, आपके जो भी कार्य रुक रहे हैं उन कार्यों को अतिशीघ्र करने के लिए होती है, किसी ने आप पर ऊपरा किया है उसके लिए होती है, शत्रुओं का विनाश करने के लिए होती है, और भी जो भी समस्या है आपकी लाइफ की, उन सब का ये एकमात्र सॉल्यूशन है माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली। अगर आपको यह पोटली चाहिए, आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए माँ काली का। जानते हैं मैया आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या है माँ काली का संदेश आपके लिए, जानते हैं। तो यहाँ पर माता कह रही हैं कि जो सेलिब्रेशन होने वाला था घर में, जो भी आप कुछ करने वाले थे अपने घर में, यहाँ पर उसमें रुकावट है। लेकिन यहाँ पर कारण क्या है रुकावट का, कारण यह है कि कोई लगातार ब्लैक मैजिक कर रहा है, जिससे कि जो भी सेलिब्रेशन होना था आपके घर में उसमें हो रही है रुकावट। और यहाँ पर शत्रु लगातार आपके ऊपर प्रहार कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, जिसके कारण आपके कार्य रुक रहे हैं। तो माँ काली यहाँ पर बता रही हैं कि शत्रु आपके ऊपर कर रहा है काला जादू, जिसके कारण घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पा रहा। ऐसा लग रहा है कोई मैरिज है किसी की, या फिर कोई और शुभ कार्य है जिसमें रुकावट पे रुकावट आ रही है। इसके लिए आप माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है, ये सेकंड टॉपिक है। ब्रह्मांड का आपके लिए क्या संदेश है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ खजाना बढ़ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर कोई षड्यंत्र भी रच रहा है उस खजाने के को प्राप्त करने के लिए। कोई मिस्टीरियसली कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहा है, यहाँ पर आपके लिए अलर्ट है। यूनिवर्स कह रहा है कि देखो, तुमने मुझसे खजाना मांगा था, मैं खजाना भेज तो रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं उस खजाने को आपसे छीनने के लिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहा है कि कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है इस खजाने को आपसे लेने के लिए। हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपसे यहाँ पर रिलेशनशिप यहाँ पर करे। ऐसा लग रहा है कि कोई आपको रिलेशनशिप के जाल में फंसा सकता है, लेकिन यह पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है। आपको अलर्ट है यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है मित्र या शत्रु कौन है वो। यहाँ पर हम जानेंगे जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है वह आपका मित्र है या शत्रु, उस पर्सन का नाम अपने माइंड में सोच सकते हैं आप। यह हमारा तीसरा टॉपिक है आज की इस रीडिंग का। यहाँ पर जो भी वह पर्सन है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी डिसीजन लेता है और बहुत सी बातें आपसे कहता है, लेकिन वो कभी भी उनको एक्चुअल में नहीं करता है। हो सकता है आपसे कहे कि देखो ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में ये वाला फ्लोर आप ले लो, आपको मैं बहुत अच्छे प्राइजेस में ये फ्लोर दिला दूंगा, या फिर ये बिज़नेस शुरू करते हैं बहुत फ़ायदा होगा, मैं आपको इतना फाइनेंसेस दूंगा, या आपके लिए इतने क्लाइंट्स लाऊंगा। बहुत कुछ कहता है, बहुत ज़्यादा सडन एक्शन लेता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि आपको नुकसान हो जाता है। तो यह जो मित्र है आपका, एक मूर्ख मित्र है, और ऐसे मूर्ख इंसान के साथ यदि आप हैं तो आपको अपना दिमाग यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप अननेसेसरी एक प्रॉब्लम में बार बार फंस जाते हैं इस पर्सन के मूर्खतापूर्ण डिसीजंस की वजह से। क्योंकि जो प्रॉमिसेस ये करता है, जो ये सोचता है, वो चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि ये वेल प्लान्ड चीज़ें नहीं करता है। अल्टीमेटली नुकसान आपका ही है, आप फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इस पर्सन के गलत निर्णयों की वजह से। तो ऐसे मूर्ख मित्र से बेहतर है कि आप थोड़ी सी दूरियाँ बना लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है, क्या आपकी इच्छा पूरी होगी? तो जो भी आपकी विश है आप इस समय सोच सकते हैं। तो जानते हैं क्या आपकी वह इच्छा पूरी होने वाली है जो भी अभी आप सोच रहे थे। यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक कनेक्शन है आपका, कोई लाइफ पार्टनर जो आपका कई जन्मों से आपका जो लाइफ पार्टनर रहा है वो पर्सन यहाँ पर लगातार आपको बुला रहा है। सोल कनेक्शन है यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कि यदि आप यहाँ पर अपनी मैरिज के लिए जानना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आपका उस पर्सन से पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ पर बहुत क्लियरली विजिबल है कि आपका जो सोल है लगातार उसे बुला रहा है और उसका सोल आपसे कनेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर मैरिज इज देयर ऑन द होराइजन, यहाँ पर यह पर्सन जल्द ही आपकी लाइफ में आएगा। और यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट का वेट कर रहे हैं, किसी बिजनेस प्रपोजल का, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का, तो वह भी आपकी तरफ खींची चली आएगी, क्योंकि पास्ट लाइफ के आपके कर्मास कुछ ऐसे हैं कि जो भी आप चाहते हैं, चाहे खजाना है चाहे कोई बिजनेस है, वो आपकी तरफ अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी किस्मत बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट यहाँ पर हम जो फिफ्थ टॉपिक है वो है कि आप जो भी घर आप अपना बेचना चाहते हैं उसको बेचने में ब्लॉकेज क्या आ रही है, क्यों आप उस घर को, उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं पा रहे हैं। आप उस प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं, जानते हैं कि वह प्रॉपर्टी क्यों नहीं बेच पा रही है आपकी। ऐसा लग रहा है कि उस प्रॉपर्टी में किसी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक किया है। आपका जो भी ये घर है, इस घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, शायद यही कारण है आप इसे बेचना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दबी हुई हैं जिसके कारण इस घर में कभी भी शांति नहीं रहती है। यहाँ पर इस घर में किसी ने ऐसा ब्लैक मैजिक किया है कि जो इस घर में रहेगा उसके शरीर में बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बीमारियाँ लगी रहेंगी, स्पेशली बैक की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो पर्सन बेड रिडन हो सकता है। तो इस घर में ब्लैक मैजिक हो रखा है। अगर आपको माता की चमत्कारी मंत्र पोटली चाहिए हाउस किलन के लिए, अपने घर को सुरक्षित करने के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, यहाँ पर आपके लिए यह बहुत अनिवार्य है। अगर आप इस घर को, इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहते हैं तो भी आप माता की मंत्र पोटली ले सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमारे पास है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए जानते हैं कि लोगों की आपके बारे में क्या ओपिनियन है। ये सिक्स्थ टॉपिक है आज की इस रीडिंग का। यहाँ पर ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं कि आप कुछ ना कुछ इमेजिन करते रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो कभी हो ही नहीं सकती। बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, जब भी आप रिलेशनशिप में होते हैं सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और लास्ट में आपका ही यहाँ पर नुकसान होता है। तो यहाँ पर लोग यही सोचते हैं कि आप मन के बहुत साफ हैं और आपके साथ लोग धोखा करते हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है और इस बारे में लोगों को भी पता है, लेकिन हो सकता है सामने से कोई कहता नहीं है, लेकिन आपके व्यवहार में आपके आसपास जो नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं उनसे उन्हें इस चीज़ का आभास हो रहा है। यहाँ पर सेवंथ टॉपिक हमारा है कि ज्वाला माता आपसे क्या कहना चाहती हैं। माँ ज्वाला का आपके लिए क्या है संदेश, ये है हमारा सेवंथ टॉपिक। यहाँ पर देखिए माँ ज्वाला खुद ही आ गई हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं मेरे कार्ड्स, जो यहाँ पर जो मैं कहती हूँ, जो मैं उनसे पूछती हूँ, तुरंत मुझे यहाँ पर आंसर मिलता है। माँ ज्वाला खुद यहाँ पर दिख रही हैं। तो क्या कहना चाहती हैं माँ ज्वाला, जानते हैं भैया आपके लिए क्या संदेश दे रही हैं। माता कह रही हैं बहुत मेहनत कर रहे हो आप, कोई टारगेट है आपकी लाइफ का, कुछ तो करना चाहते हो, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, लेकिन ये क्या आपके घर में ही रचा जा रहा है षड्यंत्र। कोई लगातार कोशिश कर रहा है कि आप असफल हो जाएं, या फिर यहाँ पर आपके जो बच्चे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, उनके कार्यों में बहुत रुकावट है, लोग झूठी बातें फैला रहे हैं। तो माता यहाँ कह रही हैं कि कुछ लोग हैं जो झूठी बातें फैला रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपके बच्चों को या आपको यहाँ पर ग्रो नहीं करने दे रहे हैं, और यहाँ पर आपके परिवार में भी झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको माता की जोत जगानी चाहिए घर में, माता की आराधना करें। आप माता की चमत्कारी मंत्र पोटली भी ऑर्डर कर सकते हैं माँ ज्वाला की, जिससे कि मैया आपके घर में रोशनी रखें और जो भी दुश्मन हैं, जो भी शत्रु हैं, उन्हें आपसे दूर करें। यहाँ पर अब हम एट्थ टॉपिक लेंगे जो आपके लिए संदेश है, माँ बगलामुखी का संदेश आपके लिए। जानते हैं कि मैया आठवें नंबर पर जो ये टॉपिक है आपसे क्या कहना चाहती हैं इस रीडिंग में। माँ बगलामुखी कह रही हैं कि देखो दुखी तो हो, परेशान भी हो, पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी पूजा करते नहीं हो, मेरी आराधना नहीं करते हो, तो फिर यहाँ पर समस्या तो आनी ही थी। माता कह रही हैं कि आपकी जो भी
सैडनेस है, जो भी दुखी हो इस समय आप, उसका कारण है कि आपने हमेशा अननेसेसरी स्ट्रेस लिया है, लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसके कारण आप इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी में हो और आपके घर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। कोई ना कोई पर्सन यहाँ लगातार बीमार हो रहा है, किसी पर ब्लैक मैजिक भी हो रखा है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपने माँ बगलामुखी की आराधना की है, और जब आपने मैया की आराधना करी है, कुछ ना कुछ आपसे गलतियाँ हुई है, जिसके कारण माता आपसे नाराज़ है। अब हम देखेंगे नाइन्थ टॉपिक क्या है, क्या है मैसेज आपके लिए। और हमारा यहाँ पर नाइन्थ टॉपिक है हनुमान जी का संदेश आपके लिए। हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि देखो, मैं आ तो रहा हूँ, कुछ आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर डेफिनेटली आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सब्र करो। हनुमान जी कह रहे हैं थोड़ा सब्र करो, जो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर पर हावी है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और ये नकारात्मक ऊर्जा जो है इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पर हनुमान जी और क्या कहना चाहते हैं? हनुमान जी कह रहे हैं बहुत ही जल्द इस नकारात्मक ऊर्जा को मैं आपकी ज़िंदगी से दूर कर दूंगा। जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है जो आपका नुकसान कर रही है, इसे मैं जल्द ही आपकी ज़िंदगी से दूर कर दूंगा। यहाँ पर जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है उस पर इस तरह से पैर रखकर खड़े हैं हमारे हनुमान जी। तो यहाँ पर हनुमान जी की रक्षा आपको प्राप्त है। हनुमान जी का ध्यान कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, और अगर आपको माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली चाहिए आपके शत्रुओं से बचने के लिए, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। आप हनुमान जी की भी मंत्रित पोटली ले सकते हैं दुश्मनों से बचने के लिए, और नेगेटिव एनर्जी से कोई भी उपरा आपके ऊपर है, ब्लैक मैजिक है, उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 10th टॉपिक है हमारा, जानेंगे कि क्या आपको धन लाभ होने वाला है, क्या आने वाले समय में आपको फाइनेंशियल गेन होगा, जानते हैं। तो क्या आपकी तरफ धन बढ़ रहा है? देखिए, बहुत परेशान लग रहे हैं पैसों को लेकर, वेट कर रहे हैं किसी मैसेज का कि भाई टोकरी में कोई धन लेकर आएगा, कोई यहाँ से फाइनेंसेस लेकर आएगा। देखिए, इस टोकरी में कोई संदेश आएगा कि भाई आपके लिए ये धन है, ये आपको मिलने वाला है, और इसी का इंतज़ार कर रहे हैं आप। आप कुछ पुरानी बातों को याद करके उदास भी हो रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं जैसे ही ये धन आप तक आएगा, कुछ लोग हैं जो आपसे झगड़ा कर सकते हैं इस धन को प्राप्त करने के लिए। तो धन लाभ तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ सामने से आपकी तरफ यूनिवर्स धन भेज रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, स्मरण रहे कि यहाँ पर जैसे ही ये धन आपको मिलेगा, कुछ लोग इस धन पर अपना हक जमाने लगेंगे, तो यहाँ पर झगड़े हो सकते हैं धन को लेकर। अगर आपको माता की मंत्रित पोटली चाहिए इस समस्या से बचने के लिए, या धन लाभ के लिए फाइनेंस पोटली चाहिए, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। आपका एक भी रुपया कोई और ले नहीं पाएगा, और आपकी किस्मत बहुत ही स्ट्रांग रहेगी, भाग्यशाली बन जाएंगे आप, सारे ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। तो यह चीज़ होती है फाइनेंस पोटली से। तो जितनी भी समस्या है, चाहे कर्जे की है, चाहे आपके कोई कार्य नहीं बन रहा, आप माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली लीजिए, आजमाइए, आपको डेफिनेटली उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखते हैं 11th टॉपिक हमारा जो है, वह है क्या आप पर किया है किसी ने ब्लैक मैजिक, क्या कोई लगातार आप पर काला जादू कर रहा है। 11वां टॉपिक है ये हमारा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो निरंतर आपकी तरक्की को, आपकी किस्मत को नज़र लगाते रहते हैं कि हाय इस पर्सन ने गाड़ी खरीद ली, हाय इस पर्सन की नौकरी लग गई। तो यहाँ पर एक टोक लगाते हैं, एक नज़र लगाते हैं, खुद तो कामयाब हैं वो लोग, लेकिन फिर भी आपकी किस्मत, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, लगातार आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर बेनिफिट हो ही रहा है, और यह चीज़ उन लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भी वो लोग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स बोलें, जैसे आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज को सेंड करें, ऐसी बातें बोलें जिससे कि आपका हौसला टूट जाए और आप आगे ना बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी यूज़ हो रहा है, और ईविल आई भी बहुत स्ट्रांगली विजिबल है, षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। तो यहाँ पर कोई लगातार आपके ऊपर बुरी नजर कर रहा है और षड्यंत्र रच रहा है। आप चाहें तो आप इन डेप्थ रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके सोल को कोई खींच रहा है, कोई लगातार आपकी बॉडी से आपके सोल को खींच रहा है, ऐसा होता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता, तो यह वो लोग जान पाएंगे जो ये महसूस करते हैं, जिन्होंने अपने ही सोल को सामने देखा है, ऐसा होता है। आपका सोल खुद बाहर आता है, और जब कोई आपके सोल को खींचता है तो आपको वो चीज़ दिखती है, लेकिन उसके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना ज़रूरी है, आपकी थर्ड आई एक्टिव होना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को वही महसूस कर सकता है जिसमें एक
पावर होती है, और यह पावर होती है थर्ड आई की पावर। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मैं आपसे बता रही हूँ कि आपकी कामयाबी से कुछ लोग चिढ़ रहे हैं, लगातार आपके सोल को खींच रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, जिससे कि आप अपनी प्रोग्रेस को रोक दें और वापस उस पुराने सिचुएशन में चले जाएँ जिससे आप आगे आए हैं। तो आपकी सक्सेस डेफिनेटली कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ रही है यहाँ पर, और वही लोग आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर रीडिंग में हम देखेंगे क्या आपके घर में है कोई नकारात्मक ऊर्जा। ये हमारा 12th टॉपिक होगा। जानते हैं क्या आपके घर में, आपका जो घर है उसके बारे में आप सोच सकते हैं। हाउस नंबर एड्रेस अपने माइंड में रखिए, और जानते हैं क्या उसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा उपस्थित है। ऐसा लग रहा है कि उस घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था पास्ट में जिसकी एनर्जी अभी तक वहाँ पर है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि इस घर में, एक फाइनल कार्ड निकालेंगे, ऐसा लगता है कि इस घर में या तो कोई पर्सन ऐसा है, जो दो लोग हैं, कपल है, हस्बैंड वाइफ हैं, जिनकी इस जगह पर मृत्यु हुई है। क्योंकि यहाँ पर अग्नि हमें दिख रही है, तो यहाँ पर डेफिनेटली उस पर्सन की जब मृत्यु हुई है, जब उसका दाह संस्कार हुआ है, उसके बाद उसकी एनर्जीज वापस इसी घर में घूम रही हैं, क्योंकि वह इस घर से जो जुड़ाव है, जो लगाव है, उसको नहीं भूल पा रहे हैं। अभी भी इस घर में वो प्रेजेंट है। तो अगर आपने रिसेंटली कोई जगह शिफ्ट करी है, तो यहाँ पर उन लोगों की एनर्जीज हैं जो यहाँ पहले रहते थे। अगर आपने ज़मीन ली है, तो उस ज़मीन में हो सकता है कि किसी की बॉडी को दफनाया गया है, या उस जगह के आसपास। अगर आपका घर शमशान के आसपास है, तो यहाँ पर बहुत क्लियरली विजिबल है कि कोई ऐसी एनर्जी आपके साथ चलकर आपके घर तक आ गई है, जाने अनजाने आपने उसको इनवाइट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी है जो या तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आई है, या वहाँ पर पहले से प्रेजेंट थी और उस जगह से उसका लगाव है, उस जगह को वो छोड़ नहीं पा रही है। तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ही क्लियरली विजिबल है, लेकिन जो ये पर्सन है, ये दो लोग हैं, और उनकी जब डेथ हुई, उसके बाद उनकी जो आत्मा है, वो उसको कुछ लगाव है इस जगह से, इसलिए वो वहीं पर घूम रही है। तो यहाँ पर यह मैसेज है। नेक्स्ट है 13th नंबर पे, देखते हैं क्या संदेश है। यहाँ पर हमारा टॉपिक होगा कि आपके विवाह में क्या है ब्लॉकेज, आपकी मैरिज में क्या ब्लॉकेज है, ये आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज के लिए रिश्ता तो बहुत अच्छा आया, लेकिन आपके बॉडी में कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं, या तो आप पॉजिस्ट हैं, या फिर आपके घर में या आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है जो उस मैरिज को, जिसने तोड़ दिया। यहाँ पर जो भी रिश्ता आता है वो यहाँ कैंसिल हो जाता है, और आप यहाँ डिसअपॉइंट हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिश्ता आता है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो अच्छा रिश्ता तो आया, लेकिन यहाँ पर जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज है जो आपके रिश्ते को तोड़वा देती हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, सामने से कोई पर्सन कुछ कह दे, या कोई ना कोई बात हो जाए, जो लड़के वाले हैं वो कुछ अपने आप को सुपीरियर दिखाने लगे, या आपको उनकी कोई बात चुभ जाए। जैसे सूर्य की किरणों को हर कोई झेल नहीं पाता, किसी की आंखों में चुभ भी जाती है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे रिश्ते नहीं हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे कि वो कैंसिल हो जाता है। कारण यही है कि आपको या तो किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है बहुत ही स्ट्रांग। आप अपने लिए मैरिज रीडिंग ले सकते हैं, आप रीडिंग बुक करा सकते हैं, और इन डेप्थ समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या समस्या है, क्यों आपकी मैरिज नहीं हो रही है। यहाँ पर हमारा 14th टॉपिक होगा, इज योर सक्सेस ब्लॉक, क्या आपकी कामयाबी को किसी ने ब्लॉक कर रखा है। जानते हैं कि क्या आपकी कामयाबी को किसी ने ब्लॉक कर रखा है। देखिए यहाँ पे हमें एस ऑफ सॉर्ड्स आया, डेफिनेटली विक्टोरियस हैं आप, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कामयाब है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए आया है, विक्टोरियस है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। वन फाइनल कार्ड यहाँ पर देखिए, 6 of Wands, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहेंगे, कोई ब्लॉकेज नहीं दिख रही है। आप जिस भी कार्य के लिए जाएंगे, जीत कर ही वापस आएंगे। विदेश यात्रा करेंगे, वहाँ से भी आप बहुत अच्छे तरीके से जीत कर वापस आएंगे। आपकी अच्छी जॉब लगेगी, बहुत बड़ा बिजनेस आप सेटअप कर पाएंगे, और उस बिजनेस में आप बहुत आगे जाएंगे। तो यहाँ पर विक्ट्री है आपकी, और किस्मत तो आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाली है। जब आपकी करियर की बात आती है, तो आपकी सक्सेस को किसी ने यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर तो आप विक्टोरियस दिख रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। अपने करियर पे आप फोकस कीजिए, आप बहुत कामयाब होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं 15th नंबर पर क्या है हमारा टॉपिक। टॉपिक है यहाँ पे शनिदेव का संदेश, आपके लिए शनिदेव क्या कहना चाहते हैं आपसे। जानते हैं कि यहाँ पर
15th नंबर पर शनिदेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो शनिदेव कह रहे हैं कि देखिए झगड़े तो हो रहे हैं और झगड़े मैं करवा भी रहा हूँ। कारण है कि जितना जल्दी आप इस जगह से निकल जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि कोई पर्सन है जो अपने आप को सच कहेगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन झूठा इल्ज़ाम लगेगा उस पर्सन के ऊपर। यहाँ पर आने वाले समय में आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लग सकता है, लोग आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे। यहाँ पर जितना जल्दी हो सके शनिदेव की आराधना शुरू कर दें, और यहाँ पर जब आप शनिदेव की आराधना करेंगे, आप चाहें तो आप शनिदेव की मंत्रित पोटली भी मुझसे ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में एक झूठा इल्ज़ाम लगेगा। कोई प्रॉपर्टी है जो आपके हाथ से जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर इनजस्टिस होने वाला है। शनि की नज़र है आपके ऊपर, कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। बहुत ज़्यादा अंधकार छाया हुआ है। आने वाले समय में कोई बहरूपी आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपके सामने बहुत अच्छा बनेगा, कहेगा कि मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, या फिर मैं ये घर लेने में तुम्हें हेल्प करूँगा, तुम्हें लोन दिलवाऊँगा, फाइनेंशियल हेल्प करूँगा या बिजनेस सेटअप करूँगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है। आप आने वाले समय में शनिदेव की आराधना करें। शनिदेव की चमत्कारी मंत्रित पोटली के लिए हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आप पर्सनलाइज रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि 16th नंबर पर आपके लिए क्या संदेश है माँ लक्ष्मी का, जानते हैं। 16th टॉपिक है हमारा माँ लक्ष्मी का संदेश आपके लिए। देखिए माता कह रही हैं बहुत झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कोई कार्य करने गए थे लेकिन वो कार्य ठीक से आपका नहीं हो पाया, जिसके कारण अब घर में और ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। और अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वापस कब मिलेगा, और इसी वजह से आपके घर में कोई सदस्य है जिसकी तबीयत भी बिगड़ रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हैं, आपके परिवार से नाराज़ हैं। यहाँ पर माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट लग रही हैं। और यहाँ पर कारण है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, जिसके कारण माता आपसे नाराज़ हैं। जिस घर में शोर शराबा झगड़े होते हैं उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। अपने घर में अपने पूजा स्थान में आप मिश्री हमेशा रखें और यहाँ माँ लक्ष्मी की आराधना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर आएंगी। और अगर आपको फाइनेंस पोटली चाहिए, माँ लक्ष्मी की मंत्रित पोटली चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यह पोटली आपकी लाइफ बदल देगी। घर बनेगा, गाड़ी मिलेगी, वाहन मिलेगा, घर में बरकत होगी, सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। और ऐसा हुआ भी है, मैंने खुद बहुत से क्लाइंट्स को माँ लक्ष्मी की मंत्रित पोटली दी है और उनकी लाइफ बदल गई है। तो आप भी माता की मंत्रित पोटली ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखते हैं 17th नंबर पर क्या संदेश है। घर में सब बीमार क्यों पड़ रहे हैं आपके? आपके घर में यदि सब बीमार पड़ रहे हैं तो जानते हैं कारण क्या है इस बात का, क्यों बीमार पड़ रहे हैं सब आपके घर में। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपके घर में प्रवेश कर गई है, जिसके कारण आपके घर के लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। किसी ने, हो सकता है कि आपके घर में आके पीली सरसों फेंक दी है, पीली सरसों डाल दी है, या फिर कुछ ना कुछ टोटका किया है, जिसकी वजह से आपके घर के लोग अब बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। आप माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ने आपके घर में कोई टोटका करके फेंक दिया है, कोई शत्रु है आपका, और यह इंटेंशनली किया गया है जिससे कि आपके घर में सभी सदस्य बीमार हो जाएं, आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आए। तो आप यहाँ पर माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली ऑर्डर कर सकते हैं, और यहाँ पर हेल्थ पोटली आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको, तो वह आप ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको बस व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको एक रिवर्ट मैसेज आएगा और आगे आपकी रीडिंग जो है वो स्केड्यूल की जाएगी। और रीडिंग में जब आपकी रीडिंग देखी जाएगी, माता के आशीर्वाद से, माता के परमिशन से आपको पोटली एडवाइस की जाएगी। ये प्रोसेस होता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या मैसेज है। ये हमारा 17th मैसेज होगा। तो जानते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। तो जानते हैं कि आपका जो जीवन साथी है वो कैसा होगा। यहाँ पर आपके जीवन साथी के लिए ये रीडिंग है। आपका जीवन साथी यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर होगा, लोगों की मदद करेगा। यहाँ पर किसी की भी लाइफ में अगर दुख है, तकलीफ है, उसको दूर करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका जीवन साथी लोगों की मदद करने में अपना जीवन लगाएगा, और कभी उसकी लाइफ में एक ऐसा समय आएगा जब उसको डिफेम किया जाएगा।
जब उसकी पावर्स उससे दूर चली जाएंगी। कारण क्या है? कारण ये है कि वो लोगों की मदद करेगा और ऐसे शत्रु बन जाएंगे जो उसको डिफेम करेंगे, और यहाँ पर वह पर्सन अपनी पावर्स खो देगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर खजाना भी आया है, और ख़जाने का मतलब सिर्फ मॉनेटरी गेन नहीं होता है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर अमृत भी है, और यहाँ पर एक गीता है, कोई बुक है, हमारे धर्म ग्रंथ है। तो यहाँ पर ये पर्सन नॉलेज से भी स्ट्रांग होगा, हेल्थ से भी बहुत अच्छा होगा, और फाइनेंशली भी बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर चाहे दुश्मन कुछ भी करे, लेकिन इनके जो अच्छे कर्म होंगे वो इनको आगे और स्ट्रांग बनाएंगे। तो आपका जीवन साथी एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी होगा। देखिए, विक्ट्री का कार्ड आया है, विक्टोरियस होगा, जो भी कार्य करेगा उसमें जीतेगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी आपको भगवान दे रहे हैं, आपकी तरफ भेज रहे हैं। तो अब देखते हैं कि 18th नंबर पर क्या संदेश है आपके लिए। शिव गौरा परिवार का संदेश आपके परिवार के लिए। शिव गौरा परिवार आपसे क्या कहना चाहते हैं 18th नंबर पर, ये टॉपिक है हमारा। शिव गौरा परिवार कह रहे हैं, देखो कोई अपॉर्चुनिटी भेज तो रहे हैं, लेकिन कोई पर्सन भी है आपकी लाइफ में जिसकी बात आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, और यह पर्सन विश्वास के लायक नहीं है, उम्र में कम है आपसे, और ये पर्सन कारण है आपके फेलियर का। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी उम्र से कम पर्सन के बातों में आप आ रहे हैं, और वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें बता रहा है भविष्य को लेकर, कि आप अपना खुद का एक कॉलेज शुरू कर सकते हैं, खुद का एक स्कूल शुरू कर सकते हैं, कुछ बड़ा बड़ा सपना आपको दिखा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो भी आपको बता रहा है, ये पर्सन यहाँ पर ट्रस्ट के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन से आपको शिव गौरा परिवार अलर्ट करना चाहते हैं, जो आपकी शक्तियों को आपसे छीनने के लिए आया है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को आपसे छीन लेगा और आपको मुसीबत में डाल देगा। भोले बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं आपके परिवार के साथ हूँ, और जो भी है शत्रु है, जो भी ये विषैले लोग हैं जो आपके परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके परिवार में से सारी पॉजिटिव एनर्जी को खींच लेना चाहते हैं, मैं उनको यहाँ पर आपसे दूर करूँगा, आपकी रक्षा करूँगा। तो भोले बाबा का यही संदेश है, यहाँ पर शिव गौरा परिवार आपके साथ है। अब देखते हैं 19th नंबर पर जो टॉपिक है हमारा, जॉब या बिजनेस, क्या करना चाहिए आपको, क्या आपको जॉब करनी चाहिए या आपको बिजनेस करना चाहिए। ये हमारा 19th नंबर पे ये टॉपिक है। देखिए, ये जॉब के लिए कार्ड निकाला है मैंने, और ये बिजनेस के लिए। बिजनेस करेंगे तो रानी बनेंगी, जॉब करेंगी तो वहाँ से निकाल दिए जाओगे। कारण क्या है? कारण ये है कि जहाँ भी जॉब करोगे आपकी बातें लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि 5 of Swords है, थोड़ा झगड़ा होगा, यहाँ पर कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक बात है यहाँ पर, देखिए ये भी Swords है, ये भी Swords है, तो Swords का मतलब है कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेट करेंगे, किसी के अंडर काम करेंगे, तो वह पर्सन आपकी नॉलेज को, आपकी बातों को इग्नोर करेगा, आपकी बातों में कमी निकालेगा, आपको डोमिनेट करेगा, जिससे कि आप अपने आप को स्ट्रांग ना समझ लें। तो यहाँ पर एक इंटेंशनली कोई आपको यहाँ पर परेशान करेगा जब आप जॉब करेंगी, लेकिन आपका जो पोटेंशियल है आपको तब समझ आएगा जब आप बिजनेस करेंगी, क्योंकि फिर तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स बन जाएंगी। यहाँ तो आप 5 of Swords हैं, लेकिन यहाँ पे रानी बन जाएंगी आप। तो आपकी कम्युनिकेशन आपकी पावर है। अगर आप इस वक्त जहाँ भी जॉब करती हैं आपको लोग डोमिनेट कर रहे हैं, अनइंटेंशनली आपको कुछ ना कुछ ऐसा बातें सुनने को मिल रही हैं जो आपको लग रहा है कि आपको डाउन कर रहे हैं, इंटेंशनली चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वह आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। क्योंकि जितना आपको परेशान करेंगे आप उनको छोड़ देंगे, और जब आप अपना खुद का एम्पायर शुरू करेंगी तो आप इसमें रानी बनेंगी। और जैसी वो कंपनी है जहाँ पर अभी आप जॉब कर रहे हैं, वैसे लोगों को आप अपनी कंपनी में हायर करेंगी। इतनी स्ट्रांग एनर्जीज हैं आपकी, तो आपने करना है बिजनेस, और बिजनेस में आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल दिख रहे हैं। अब देखते हैं 20th टॉपिक हमारा क्या है। यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि आप आने वाले समय में क्या आपको अपने सपनों का घर मिलेगा, जो भी आप चाहते हैं क्या वैसा घर आपको मिलने वाला है, क्या आने वाले समय में आपको मिलेगा आपके सपनों का घर। यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपको अपना घर मिले, आपको यहाँ पर फाइनेंशियल एबंडेंस मिले, और इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं आपके आगे जो भी आपके विचार हैं, जो भी आप घर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कुछ लोग आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ लोग लगातार आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी है पर्सन है, ये आपके जो भी घर का सपना है
उसको यहाँ पर पूरा होने नहीं दे रहा, कुछ ना कुछ आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को इसके लिए मना कर रहा हो नया घर लेने को। तो ये कहीं आप हो सकता है जॉइंट फैमिली में रहते हो या फिर कुछ और लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं। यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी किया जा रहा है जिससे कि आपको नया घर ना मिले, आप नए घर में ना जाएं, क्योंकि कोई आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और वो नहीं चाहते कि आप उस जगह को छोड़कर वहाँ से जाएं या फिर आप ग्रो करें। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी दिख रहा है। जो भी ये घर है, जो भी ये प्रॉपर्टी है जो आप चाहते हैं, हो सकता है ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। बहुत से लोगों की इस प्रॉपर्टी पर नज़र है, तो यहाँ पर लगातार आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, ब्लैक मैजिक भी किया जा रहा है। अगर आपको माता की चमत्कारी मंत्र पोटली चाहिए, आपको अपना खुद का घर चाहिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, क्योंकि माता आपको घर भी दिलाएंगी, घर और बरकत भी होगी आपके परिवार में, आपके परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कि आपके अमीर बनने में क्या ब्लॉकेज है। ये 21 नंबर पे ये हमारा टॉपिक है, 21वां टॉपिक है। तो जानते हैं कि आपके अमीर बनने में क्या ब्लॉकेज है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी आर्ग्यूमेंट कर देते हैं, हाइपर हो जाते हैं। जब जैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है, आप कामयाब हो रहे हैं, लेकिन सडनली आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, और ऐसा करने की वजह से जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथ से निकल जाती है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है, क्योंकि अचानक से आप कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं या ऐसा एक्शन ले लेते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाता है। तो आपका मेन जो ब्लॉकेज है वो है कि कुछ भी कह देना, कुछ ऐसा कह देना जिसकी वजह से वह आपके हाथ से चला जाता है। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं आप? क्या ये आपका नेचर है या कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है? देखिए, कोई लगातार आपको स्टॉक कर रहा है, कोई यहाँ पर कोशिश कर रहा है आपसे कनेक्ट करने की, आपकी स्पिरिट को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से आप ऐसे रिएक्ट कर देते हैं। यहाँ पर यह आपका नेचर नहीं है, यहाँ पर कोई और है जो आपसे गलत डिसीजन लेने को कहता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप पॉजेस्ड है, हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको पॉजेस कर रखा है जिसने, और जो आपसे गलत कार्य करवा रही है। यहाँ पर आपके करियर में सबसे बड़ा ब्लॉकेज यही है। आप जब भी फाइनेंशियल डील के लिए जाते हैं तो अचानक से एक सडन डिसीजन आप ले लेते हैं और आपको नुकसान हो जाता है, तो रॉन्ग डिसीजन हो रहे हैं। यहाँ पर आप माता की मंत्र पोटली हमारे से ऑर्डर कर सकते हैं, पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं आप। तो आज हमने 21 टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। एक और टॉपिक यहाँ पर ले लेते हैं कि आपके घर में उपस्थित प्रेत का आपके लिए क्या संदेश है। 22nd टॉपिक है ये हमारा। जानते हैं कि आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह आपसे क्या कहना चाहती है। ऐसा लग रहा है जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है कि देखो, आपके घर में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, कुछ फाइनेंशियल गेन आने वाला है, लेकिन मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके घर में आएगी मैं उसे रिवर्स कर दूंगी। जो लोग भी आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे मैं उनसे ही तो झगड़े करा दूंगी आपके, और जब उनसे झगड़े होंगे तो आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो यहाँ पर आपके घर में जो सबसे छोटा सदस्य है या फिर आपका अगर कोई बेटा है तो यहाँ पर उस पर ये नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांगली अटैक कर रही है। आपको उस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन अवश्य लेनी चाहिए। आप माता की मंत्र पोटली ऑर्डर कर सकते हैं। अपने घर को भी सुरक्षित करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो भी वह प्रेत है वो लगातार यही कह रहा है कि मैं शत्रु हूँ आपका, और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आएगी उसको मैं रिवर्स कर दूंगा, और आपके घर का जो सबसे छोटा सदस्य है, आपका बेटा या आपके हस्बैंड जो है, कुछ कोई ना कोई ऐसा पर्सन, मेल पर्सन है जिस पर ये एनर्जी अटैक कर रही है, और ये जो भी ब्लेसिंग्स है उस पर्सन के ऊपर उन्हें रिवर्स कर रही है। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि आपके घर में उपस्थित प्रेत आपके घर में जो भी अच्छी चीज़ें होने वाली है उन्हें ब्लॉक कर रही है, और आपके घर के सदस्यों पर, स्पेशली जो मैंने आपसे बताया है, या तो आपके बेटे पर या आपके हस्बैंड पर बहुत ज़ोर से अपना अटैक कर रही है। तो यहाँ पर आपको उनके लिए प्रोटेक्शन अवश्य लेनी चाहिए। आप माता की चमत्कारी मंत्र पोटली ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ये हमारा 23rd टॉपिक है, तो आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कितने स्ट्रांग हैं आप इस रिश्ते में। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आप कितने स्ट्रांग हैं इस रिश्ते में, जानेंगे हम। यहाँ पर ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने की वजह से आपको जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, शायद प्रॉपर्टी को लेकर के आपकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कत हो रही है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, या जो भी वो पर्सन है उसकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यहाँ पर हम देखें तो द स्टार कार्ड है जो बताता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ आगे एक बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं। तो यहाँ
ऐसा लग रहा है कि आप बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं क्योंकि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, लेकिन जो वह पर्सन है हो सकता है आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है कि आप उसके साथ आगे बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप उस पर्सन के साथ बिजनेस कर सकते हैं, उस पर्सन के साथ आप आगे रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लीगल ट्रबल भी दिख रही है, कोर्ट से नोटिस आ सकता है। अगर कोई बिजनेस इस पर्सन के साथ शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ लीगल ट्रबल आ सकती है, कुछ फाइनेंसिस को लेकर भी इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी है पर्सन है आपके साथ, आप जिसे पसंद करते हैं और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ऐसा लगता है कि यह पर्सन आपसे ज़्यादा अपने परिवार की बात मानेगा, आपके साथ रहेगा, आपके साथ बिजनेस भी करेगा, लेकिन बिजनेस में धोखा दे देगा आपको क्योंकि अपने परिवार की बात को ये आगे रखेगा। यहाँ पर आपको इस पर्सन से दूरी बना लेनी चाहिए क्योंकि यह आपको पसंद नहीं करता है, ये प्रायोरिटी रखेगा अपने बिजनेस को, फाइनेंसिस को, और फाइनली करेगा वो जो इसकी फैमिली इससे कहेगी या जो इसके कुछ खास लोग हैं जो इससे कहेंगे। देखिए बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है ये इमेच्योर पर्सन है, आपसे उम्र में कम हो सकता है, आप इस पर ट्रस्ट ना करें। यहाँ पर यदि इस पर्सन को आप पसंद करते हैं और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो याद रखिएगा यह पर्सन आपके फाइनेंसेस भी ले लेगा, आपका पूरा जो भी बिजनेस है उसको बिल्कुल ज़ीरो पे कर देगा और आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, रिग्रेट होगा कि आपने इस पर ट्रस्ट किया, तो ये बिल्कुल भी ट्रस्ट के लायक नहीं है, अलर्ट है यहाँ पर आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका शत्रु आपके बारे में क्या सोच रहा है इस समय, जो भी आपका शत्रु है, ये 24th टॉपिक है हमारा, जो भी आपका शत्रु है वह आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या है उसकी ओपिनियन आपके शत्रु की आपके बारे में। जो भी आपका शत्रु है देखिए वो यहाँ पर सोच रहा है कि आपके तो घर में झगड़े हो रहे हैं और यहाँ पर वो आपके बारे में एक झूठी खबर फैलाना भी चाहता है, आपके बारे में फेक न्यूज़ स्प्रेड करने की पूरी तैयारी कर चुका है या झूठी खबर फैला भी चुका है और आपसे लड़ाई भी करना चाह रहा है, झगड़े भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका शत्रु है वो आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहा है, आपके बारे में झूठी खबरें फैला रहा है और आपको कंट्रोल करने की यहाँ पर आपका शत्रु कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए आपको कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का भी यहाँ पर आपको क्लियरली सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो ये पर्सन आप पर ब्लैक मैजिक भी कर रहा है। तो जो आपका शत्रु है वो लगातार आप पर काला जादू कर रहा है, आपकी मैरिड लाइफ में हो रही है समस्या, यहाँ पर वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आप माता की चमत्कारी मंत्र पोटली लें ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए और अपने आप को सुरक्षित करें। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा यहाँ पर है कि क्या कोई आपके आसपास षड्यंत्र रच रहा है, क्या कोई रच रहा है षड्यंत्र, ये हमारा 24th टॉपिक है, 24 नंबर पे ये टॉपिक है। जानते हैं कि क्या कोई आपके आसपास षड्यंत्र रच रहा है। देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई बढ़ तो रहा है आपकी तरफ, यहाँ पर आप भी विक्टोरियस दिख रहे हैं, आप यहाँ पर कामयाब दिख रहे हैं फाइनेंशियली और यहाँ पर आप हो सकता है एजुकेशनल सेक्टर में हो और उसमें ही कुछ आगे आप अच्छा करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस है आपका जिसको आप बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं और उसको और आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई है जो लगातार षड्यंत्र रच रहा है क्योंकि वह पर्सन आपको अपना कॉम्पिटिटर मानता है, आपके बारे में झूठी खबरें भी फैलाने वाला है आने वाले समय में। तो यहाँ पर षड्यंत्र तो रचा जा रहा है, झूठी खबरें भी फैलाई जाएंगी और यहाँ पर ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट में जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए वो आपको ना देकर किसी और को देने का प्लान है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके बारे में झूठी खबर फैला दी जाए और फिर आपकी कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, बिजनेस में लॉस हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही क्लियरली ये चीज़ विजिबल है। तो आपके आसपास षड्यंत्र रचा जा चुका है। आप माता की मंत्रित पोटली ऑर्डर कर सकते हैं, माँ बगलामुखी की मंत्रित पोटली ऑर्डर करें अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करने के लिए और यहाँ पर अपने आप को सोसाइटी में, अपने बिजनेस में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारी 25th नंबर पर जो रीडिंग है वो यह जानने के लिए है कि अगले 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ये 25th टॉपिक है हमारा। अगले 3 महीने में ऐसा लगता है किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप इस समय और आप जानते हैं कि जो आपका शत्रु है वो लगातार आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, लेकिन आपकी कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। द स्टार कार्ड बताता है कि आपकी कुछ विशेज़ हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं और अगले 3 महीने में आपकी वह सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं क्योंकि द स्टार कार्ड आ गया है। आप इस समय परेशान हैं, दुखी हैं, आपके शत्रुओं ने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, पर ध्यान रखिएगा ये अंधेरा जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर रोशनी की किरणें, यहाँ सूर्य की किरणें आपकी लाइफ में रोशनी ले आएंगी, तो डार्कनेस ख़त्म होने वाली है। अगले 3 महीने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर अब हम जानेंगे कि क्या आप जिस पर्सन के साथ इस समय रिलेशनशिप में हैं वह पर्सन आपके लिए सही है। 26th टॉपिक है ये हमारा।
इस समय जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, क्या वह आपके लिए एक सही पर्सन है, उसका नाम सोच सकते हैं आप। उस पर्सन के बारे में यदि हम जानें तो ऐसा लग रहा है कि वह पर्सन आपको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, आपको कंट्रोल करता है। यहाँ पर आप मैरिज करना चाहते हैं उस पर्सन से, पर ध्यान रहे कि वह पर्सन तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है आपको, झूठ बोल रहा है आपसे। यहाँ पर मैरिज भी नहीं दिख रही है, वह मैरिज नहीं करेगा। यहाँ पर ऐसा लगता है कि वह पर्सन ऑलरेडी अब्रॉड जाने की सोच रहा है, वह पर्सन कहीं दूर जाने वाला है और ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बदलने वाली है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही आपको ये चीज़ें सामने दिखने लगेगी और आपको समझ आ जाएगा कि यह पर्सन आपके साथ सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा था आपका, और आप यहाँ पर इसके जो भी बातें हैं उनकी रियलिटी को समझ पाएंगी। तो यहाँ पर जो भी पर्सन इस समय आपकी लाइफ में है, आप सोच रहे हैं कि मैरिज में कन्वर्ट होगा ये रिश्ता, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। ये पर्सन जल्द ही जाने वाला है, हो सकता है कि आपकी लाइफ से बहुत दूर ये अपना कहीं और अपनी लाइफ को सेटल कर दे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो इसको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कहीं दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में। तो यहाँ पर ये पर्सन जो रिलेशनशिप में है इस समय आपके साथ, ये मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगा। आप मैरिज चाहते हैं लेकिन वो पर्सन यहाँ से कहीं दूर निकलना चाहता है। तो यहाँ पर आप अपने आप को समय दीजिए और इस चीज़ को समझिए। तो अब हम जानेंगे 27th टॉपिक हमारा जो होगा वो यह जानने के लिए होगा कि अगले 6 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। 27th टॉपिक हमारा होगा कि अगले 6 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, सकता है कोई इंटर्नशिप चल रही है आपकी कॉलेज में, हो सकता है आप इस समय इंटर्नशिप कर रहे हैं या जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप अगले 6 महीने में बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा तो उससे आप उतने खुश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपने सोचा था उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस भी दिख रहा है। अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप आप किसी के साथ करना चाहते हैं तो अगले 6 महीने में अवॉइड कीजिए। ऐसा लग रहा है जो भी वह पर्सन है वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, पूरे एफर्ट्स आपके होंगे और यहाँ पर लास्ट में फाइनेंशियल लॉस है। तो इसलिए अगर इस समय आप बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके नेक्स्ट 6 मंथ तक कोई बिजनेस पार्टनरशिप मत कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो आप पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं और क्लैरिटी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। जब आप पर्सनलाइज रीडिंग लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा क्या आपकी लाइफ की सिचुएशन है। तो कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप अगले 6 मंथ के लिए आप नहीं कीजिएगा। अब जानते हैं 28th नंबर पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यह जानने के लिए कि बाबा बालकनाथ, पौर्णाहारी बाबा बालकनाथ, सिद्ध बाबा बालकनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं। 28th टॉपिक है ये हमारा। तो बाबा बालकनाथ कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर तो आने वाले समय में फायर ही फायर दिख रही है, अग्नि इतनी ज़्यादा क्यों दिख रही है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बाबा बालकनाथ आपसे कह रहे हैं कि पिछले जन्म का कनेक्शन है आपका बाबा बालकनाथ के साथ। बाबा बालकनाथ आपसे कह रहे हैं कि मेरे धुने पर जो लोग बाबा बालकनाथ की पूजा करते हैं वो जानते हैं कि जो धुना है वो बाबा बालकनाथ का होता है, वहाँ पर अग्नि हमेशा जलती रहती है। तो जल्दी ही आप जाएं अपने जो भी निकट में आपके बाबे का मंदिर है वहाँ जाएं और उनके धुने पर जाके धूप जगाएं और बाबा को यहाँ पर आप रोट जरूर चढ़ाएं। आप कम से कम 5 इतवार बाबे को रोट चढ़ाएं और धुने पर जाके धूप ज़रूर करें, यहाँ पर बाबा आपको बुला रहे हैं। आपके सभी कार्य बन जाएंगे, जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपके सारे कार्य जल्दी जल्दी बनने लगेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बरकत होगी और बाबा बालकनाथ का आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। और यहाँ पर ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका, आपकी जो सोल है वो बाबा बालकनाथ के साथ अटैच्ड है और बाबा बालकनाथ यहाँ पर आपको बुला रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर संदेश है बाबे का आपके लिए। 29 नंबर पर देख लेते हैं कि माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं, माँ काली का संदेश क्या है आपके लिए। ये टॉपिक रिपीट हुआ है लेकिन माता शायद संदेश देना चाह रही हैं, फिर से आपको कुछ बताना चाह रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं। माता कह रही हैं कि घर परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है यहाँ पर, और किसी को बैक की समस्या हो सकती है, पीठ की समस्या हो सकती है। शत्रु यहाँ पर अटैक करने वाला है, यहाँ पर शत्रु से आपको अलर्ट है। आप यहाँ पर माँ काली की मदद पोटली ले सकते हैं जिससे कि आप अपने शत्रुओं पर जीत हासिल कर सकें। अब हम जानेंगे 29वें नंबर पर क्या होने वाला है आपकी लाइफ में अगले 1 साल में, क्या कुछ होगा। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उससे अगला 1 साल आप मान सकते हैं। नेक्स्ट 1 ईयर में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है।
यहाँ पर अगले एक साल में हो सकता है कि किसी कोर्ट केस में फंस जाएं आप, और उस कोर्ट केस का कुछ ऐसा संदेश मिले आपको कि आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। यहाँ पर हैंग्ड मैन है, रिवर्स में है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आप परेशानी में आने वाले हैं अगले एक साल में। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पर आपके लिए अलर्ट है, और अगर आप इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर फाइनेंशियल लॉस है। यहाँ पर हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर, अगले एक साल में उसका ब्लैक मैजिक आप पर बहुत ज़्यादा असर करने वाला है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर आप माता की मंत्रित पोटली ऑर्डर कर सकते हैं ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए और अपनी हेल्थ अच्छी करने के लिए भी। 30th टॉपिक हम यहाँ पर जो है वो यह रखेंगे कि माँ तारा 10 महाविद्याओं में से एक माँ तारा आपसे क्या कहना चाहती है, क्या है माँ तारा का संदेश आपके लिए। यहाँ पर माँ तारा कह रही हैं कि देखो कुछ खजाना है जो आप तक पहुँचाना चाहती हूँ मैं, जो आपको मैं दूंगी। हो सकता है आपने मैया का अनुष्ठान किया है, माता की आराधना की है और माता का हवन किया है, अनुष्ठान किया है। माता यहाँ पर कह रही हैं कि आप उनके दिल में हो, कह रही हैं कि आप उनके पुत्र हो, आप उनकी पुत्री हो। माता का आप पर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, माता आपकी तरफ खुशियाँ भेज रही हैं, आपके घर में खुशियाँ भेज रही हैं। आपके सभी कार्य यहाँ पर बनेंगे, आने वाले समय में धन लाभ होगा, हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो आप मैया की जोत जगा रहे हैं, जो आप घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, जो आप मैया का अनुष्ठान कर रहे हैं, जो हवन कर रहे हैं, माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न है आपसे। और माँ तारा कह रही हैं कि आपकी सभी आराधना जो आपने मेरा अनुष्ठान किया है उन सभी पर मेरा ध्यान है। आपके शत्रुओं का मैं यहाँ पर धीरे धीरे आपके शत्रुओं को दूर कर रही हूँ आपसे। मैया कह रही हैं कि आपके पूरे घर की यहाँ पर सुरक्षा कर रही हूँ मैं, काली शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर से दूर कर रही हूँ मैं। तो 30th नंबर पे हमारा ये टॉपिक था कि माँ तारा का आपके लिए क्या संदेश है। अब यहाँ पर हम कुछ और टॉपिक्स लेंगे। एक हमारा टॉपिक यहाँ पर रहेगा कि आने वाले 9 महीने क्या आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट नाइन मंथ्स में ये हमारा 31 टॉपिक है। नेक्स्ट 9 मंथ्स में क्या होगा आपकी लाइफ में। देखिए अगले 9 महीने में आपकी लाइफ में कोई पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, आपके ऊपर एक खतरा है, शत्रु अटैक करेगा अगले 9 महीने में, शत्रु अटैक करेगा। आपको अलर्ट है यहाँ पर, और किस बात का ध्यान रखना है आपको। देखिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करिए, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन फिर क्या होगा, शत्रु आप पर नज़र रख रहा है। तो यहाँ पर अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो उसका आपके बिजनेस पर पूरा ध्यान है, वो आपके बिजनेस के सारे पॉइंट्स समझना चाहता है, आप किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है आपकी, ये वो जानना चाहता है। और जब वह ये जान लेगा तो आपको नुकसान करेगा। यहाँ पर आपको अपने शत्रु से जीत हासिल करनी है, अपने शत्रु से अपने आप को बचाना है। आप माँ बगला मुखी की मंत्रित पोटली ऑर्डर कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, या फिर आप बिजनेस रीडिंग ले सकते हैं और उसमें जान सकते हैं कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वह कौन है और वह आपसे क्या चाहता है, या क्यों वह आपको परेशान कर रहा है, क्या वह आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो ये बिजनेस रीडिंग आप मुझसे ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। अब हम यहाँ पर यह जानेंगे कि यदि आने वाले एक साल में आप कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या वहाँ से आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आपको वहाँ से फाइनेंशियल गेन होगा अगले एक साल में, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं क्या होगा अगले एक साल में, क्या आपको फाइनेंशियल गेन होगा। देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होने वाला है। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर आपको जो मुनाफा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। द स्टार कार्ड है, विश फुलफिलमेंट है, और यहाँ पर जो भी आप स्टॉक्स खरीदेंगे वो आपको कई गुना हो करके मिलेंगे। तो अगले एक साल में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम जानते हैं कि आपके जो मृत परिजन है उनका आपके लिए क्या संदेश है। ये हमारा 32वां टॉपिक होगा। तो देखते हैं कि आपके मृत परिजन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनका संदेश आपके लिए। देखिए आपके मृत परिजन यहाँ पर दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। यहाँ पर आपके मृत परिजन लगातार
आपकी आपको बुला रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी मुसीबत से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन वह ऐसा करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं क्योंकि वह आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके मृत परिजन आपको लगातार सपने में दिख रहे होंगे और वह आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो इस समय आपके मृत परिजन देख पा रहे हैं और आपको उन एनर्जी से बचाना चाहते हैं। कोई झूठा इल्ज़ाम भी लगा सकता है आपके ऊपर और आपके मृत परिजन आपको यहाँ पर सेफ करना चाहते हैं, आपको उनसे बचाना चाहते हैं। हो सकता है सपनों में भी आपको दिख रहे हों। आप चाहें तो आप डिसीज पर्सन की रीडिंग ले सकते हैं, अपने मृत परिजन की रीडिंग आप हमसे ले सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और क्या वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे क्या संदेश आपको देना चाहते हैं, यह हम जानेंगे उस रीडिंग में। क्योंकि हम जब मृत परिजन से कनेक्ट करते हैं तो उनसे जब कनेक्ट करते हैं तो बहुत सी वो बातें बताते हैं। तो आपके जो भी मृत परिजन हैं अगर यदि सपने में आपको दिख रहे हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक कराएं, आप रीडिंग बुक करें और डिसीज पर्सन की रीडिंग आप अवश्य लें। क्योंकि जो आपके मृत परिजन होते हैं वो आपको आने वाले समय में क्या समस्या आने वाली है या इस समय आपके आसपास क्या हो रहा है वह बताते हैं। तो डिसीज पर्सन रीडिंग आप अवश्य लें, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। तो अब जानते हैं कि क्या आपके घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको अपने साथ लेके जाना चाहती है। अक्सर ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें नेगेटिव एनर्जी जिस पर्सन पर हावी होती है उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। तो क्या ये नेगेटिव एनर्जी भी ऐसा सोच रही है? देखिए यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है इसने आपके पूरे घर में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। घर में इतने झगड़े हो रहे हैं कि लोग जी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर जिस भी पर्सन को ये पॉसेस कर रही है उसे बार बार हो सकता है कि उसके माइंड में ऐसे थॉट्स डाल रही है कि जैसे ऊपर से आप नीचे कूद जाइए, नीचे कूद जाओ, या आप ये कर लो, मतलब आपको कुछ गलत करने के लिए बार बार उकसा रही है ये नेगेटिव एनर्जी। तो यहाँ पर आपको अलर्ट है क्योंकि जो भी ये नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है ये डेफिनेटली ऐसा चाहती है कि जो ये बर्ड है, जो ये सोल है, इसको अपने साथ ले जाए। तो यहाँ पर आपको यदि कुछ भी ऐसा फील होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपसे कम्युनिकेट कर रही है, तो ये बहुत से केसेस ऐसे मैंने देखे हैं जिसमें नेगेटिव एनर्जी जो पर्सन होता है उसके माइंड में, उसके कान तक में ये चीज़ें कहती है कि ये चीज़ करो, तुम यहाँ से कूद जाओ, तुम ये फांसी लगा लो, तुम अपने आप को चोट पहुँचाओ, नुकसान पहुँचाओ। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो उस स्पिरिट को बहुत चैन मिलता है और ये वो तभी करती हैं जब वो आपकी बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती हैं। जब आप अपने आप को कट लगाते हैं तो आपको दर्द नहीं होता, आपको खुशी होती है। ये आप नहीं हैं, ये वह स्पिरिट है जो बॉडी को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर जो भी वो स्पिरिट है वो यहाँ पर यही कह रही है कि वो लेके जाना चाहती है सोल को अपने साथ। तो घर में अग्नि से आपको घर के लोगों को सेव करके रखना है। अग्नि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जो विजिबल है, जो बताता है कि घर में कुछ सडन चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अब 33rd टॉपिक हम देखते हैं कि पिछले जन्म में आपकी मृत्यु कैसे हुई थी, क्या था कारण आपकी मृत्यु का पास्ट लाइफ में। पूर्व जन्म में आपकी किस प्रकार से मृत्यु हुई थी ये हम जानेंगे इस टॉपिक में। देखिए ऐसा लगता है किसी पर्सन ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने खुद के फाइनेंशियल गेन के लिए आपको कंट्रोल कर लिया, आपके ऊपर कंट्रोल बना लिया किसी ने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए। क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा कामयाब दिख रहे हैं, आपका परिवार था, बच्चा था, फैमिली प्रॉपर थी आपकी और आप बहुत तरक्की कर रहे थे, यहाँ पर आप आगे बढ़ रहे थे और आपका जो जीवन का रथ था, आपका परिवार बहुत खुशहाल था। लेकिन फिर कोई पर्सन आता है और यह पर्सन आपके ऊपर कंट्रोल करता है और आपकी धोखे से यहाँ पर हत्या कर देता है फाइनेंशियल गेन के लिए। तो यहाँ पर आपका पास्ट लाइफ में ऐसा लगता है किसी ने मर्डर किया है, जिसकी वजह से आपकी इस लाइफ में भी आपकी जो सोल है उसमें एक डर है, अचानक से आपको एक डर महसूस होता है, एंजाइटी होती है। तो ये पास्ट लाइफ की वजह से ही है। अब जानते हैं कि 34th टॉपिक हमारा होगा कि पिछले जन्म में आपकी लाइफ में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी। पास्ट लाइफ की महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानेंगे हम। पिछले जन्म में क्या हुआ था? ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण घटना, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये इन डेप्थ रीडिंग्स नहीं है,
आप चाहें तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं, पास्ट लाइफ रीडिंग ले सकते हैं और पास्ट लाइफ हीलिंग भी करा सकते हैं। तो पास्ट लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, आपका जो पर्सन था बहुत स्ट्रॉन्ग, आपका सोलमेट कनेक्शन था उस पर्सन के साथ। लेकिन यहाँ पर कब अंधेरा आया, कब आपकी लाइफ में, आपके उस रिलेशनशिप में एक अंधेरा आया और आप उस पर्सन से अलग हो गए। आपको पता भी नहीं चला कब वो पर्सन आपकी लाइफ से दूर हो गया, लेकिन कारण क्या था। कारण ऐसा लगता है कि कुछ काली शक्तियों ने, किसी ने ऐसा कुछ किया कि वह पर्सन आपकी लाइफ से दूर हो गया। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसने झूठी बात बताई और आपको उस पर्सन से दूर कर दिया और यहाँ पर वह पर्सन आपसे कहीं दूर चला गया। क्या हुआ था उस पर्सन को उसके बाद, क्या वह पर्सन, यहाँ पर ऐसा लगता है कि वह पर्सन आपसे दूर जाकर के किसी और से उस पर्सन ने विवाह कर लिया था। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि वह पर्सन यहाँ पर ट्रस्ट के लायक नहीं था, कहीं ना कहीं वह पर्सन बहुत इमेच्योर था और उसने आपको यहाँ पर धोखा दिया, आपको पता भी नहीं चला, लाइस एंड डिसीट है यहाँ पर। और वह पर्सन कहीं दूर जाकर उसने किसी और से विवाह कर लिया। यहाँ पर एक अफेयर दिख रहा है, एक रिलेशनशिप तो दिख रही है जिसमें आप देख सकते हैं पर्सन तीर चला रहा है दूसरे पर्सन पर, लेकिन यहाँ पर यह पर्सन जो था यह आपसे दूर चला गया था पास्ट लाइफ में। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में जो आपके साथ ये हुआ, जो सोलमेट कनेक्शन जिसे आप समझते थे और उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, तो यह चीज़ इस जन्म में भी आपके साथ है। आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर आप लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वह पर्सन पास्ट लाइफ की तरह ही होगा। कुछ ऐसी स्मृति है अभी भी आपके माइंड में, कुछ ऐसी यादें हैं पास्ट लाइफ की, क्योंकि यहाँ पे हार्ट आया है तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा जो है वो वीक है। और हार्ट चक्रा वीक होने का कारण है कि पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि जिनसे अभी तक आपकी हीलिंग नहीं हुई है। आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आता है वो आपको छोड़कर चला जाता है। वही चीज़ें आपके साथ रिपीटेडली हो रही हैं। पास्ट लाइफ हीलिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं, पास्ट लाइफ रीडिंग ले सकते हैं और यहाँ पर माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली ले सकते हैं पास्ट लाइफ हीलिंग के लिए। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत से मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके पास्ट लाइफ के इश्यूज थे जो इस जन्म में भी विजिबल थे, जब रीडिंग करी तो उन्हें वह चीज़ रिजेंबल हुई और फिर उनके लिए पास्ट लाइफ हीलिंग पोटली मैंने बनाई है और उससे उनको बहुत आराम है, बहुत रिलीफ है। उनका जो एक कार्मिक कनेक्शन चल रहा था, जो साइकिल चल रही थी, उससे वो अब आज़ाद है। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में अब पॉजिटिव लोग बढ़ रहे हैं और यही चीज़ आपके साथ भी होगी। तो आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक कराइए पास्ट लाइफ की और उसके बाद आपको अगर मैया का आदेश होगा, माता का आदेश होगा, तो आपको पोटली एडवाइस की जाएगी पास्ट लाइफ हीलिंग की। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, 34th टॉपिक हम यहाँ पर लेंगे कि आने वाले समय में क्या आप बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं, क्या आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होने वाला है, ये हम देखेंगे। क्या आप भी अंबानीज की तरह हो पाएंगे, यह जानेंगे हम। तो क्या आप भी अंबानीज की तरह अमीर हो पाएंगे। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं और यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जब तक कि वो आपकी लाइफ से नहीं जाती हैं। किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपकी लाइफ में आकर के आपको यहाँ पर जिसको आप ब्लेसिंग समझते थे उसने धोखा दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस इंसान को धोखा मिलता है, जिसकी लाइफ में सडनली ऐसी चीज़ें होती हैं, वही तरक्की करता है, क्योंकि उसको फिर कुछ खोने का कुछ डर नहीं होता। डर जिसको खोने का होता है कि ये दूर हो जाएगा, ये चला जाएगा, वही पर्सन तरक्की नहीं कर पाता। लेकिन जिसने अपने प्रिय इंसान को खो दिया हो या जिसने धोखा खाया हो, वो लोग बहुत आगे जाते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि आप बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं भविष्य में। अंबानीज की तरह तो नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नहीं हैं, पर यकीन मानिएगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आगे बढ़ेंगे। जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में था जिसने आपको धोखा दिया है, ये पास्ट की बात है, भविष्य आपका बहुत ही अच्छा है। आप बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे, अंबानीज तो नहीं लेकिन हाँ फिर भी आप अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यूनिवर्स आपकी तरफ भेजेगा। आप चाहें तो आप फाइनेंशियल पोर्टली भी ले सकते हैं और फाइनेंस पोर्टली तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी और भी आगे बढ़ने में। अंबानी भी बन सकते हैं आप, क्योंकि मैं जो फाइनेंस पोर्टली बनाती हूँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। माँ लक्ष्मी खुद उसमें होती हैं, खुद उनकी कृपा होती है। इतने ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स को मैंने देखा है जो जिन पे कर्जे थे वो लोग भी कर्जा मुक्त हो गए हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर ज़रूर बनेगी, आप फाइनेंस पोर्टली ले सकते हैं।
अब यहाँ पर 35th टॉपिक हम देखते हैं। 35th टॉपिक हम ये देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, आपका आगे का जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहिए आपको, ये आज हम जानेंगे। 35th टॉपिक है यहाँ पर, देखिए द स्टार कार्ड आया है। बहुत सी इच्छाएं हैं आपकी, बहुत कुछ सोच रखा है आपने। आपको ट्रैवल करना चाहिए, आपको देश विदेश की यात्रा करनी चाहिए और वही आपकी जर्नी होगी, क्योंकि झूठे झूठे लोगों से दूर जाएंगे आप, और जब उनसे दूर जाएंगे तो बहुत तरक्की करेंगे आप। ऐसे लोग जिन्होंने आपको पैसों के लिए धोखा दिया है, ऐसे लोग जिन्होंने आपको आपको गलत कहा है, झूठ बोला है, ऐसे लोगों को आप यहाँ पर भूल रहे हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। एक स्पिरिचुअल जर्नी है, लेकिन ये जो जर्नी है ये एक इस तरीके की जर्नी है जिसमें आप देश विदेश की यात्रा करेंगे और बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। जो भी लोग आपकी लाइफ में थे, हो सकता है आपका आप किसी पर्सन से सेपरेट हो चुके हैं, रिलेशनशिप में थे उससे दूर हो चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कार्य करें जो सोशल वर्क से कनेक्टेड हो, जो लोगों की हेल्प करने के लिए हो, तो आपकी लाइफ का जो बात है, जो आपका उद्देश्य है वो बहुत अलग है। और ये तब है जब आपकी लाइफ में कुछ बैड गलत चीज़ें हुई हैं पास्ट में, अब आप एक बहुत ही पॉजिटिव रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे, देश विदेश में आपका नाम होगा, आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली दिख रहे हैं यहाँ पर। तो आने वाले समय में आप पर माँ काली की बहुत ज़्यादा कृपा है, आप यहाँ देश विदेश की यात्रा करेंगे, देश विदेश में आपको सम्मान मिलेगा, यहाँ पर सक्सेस दिख रही है। तो उम्मीद करती हूँ ये 35 टॉपिक्स आपको पसंद आए होंगे। मैंने आज ये टॉपिक्स इसलिए बनाए जिससे कि आप एक ही बार में आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चल जाए। आप इस पूरी वीडियो को एक बार सुने, दो बार सुने, जो टॉपिक्स हैं उन सबको सुने। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, इन डेप्थ रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। अगर चमत्कारी माता की मदद पोटली चाहिए, क्योंकि यह साधारण पोटली नहीं है, ये ऐसी पोटली है जो आपकी किस्मत को बदल देगी, आप यकीन मानिएगा। बहुत से लोग हैं जिनकी किस्मत बदली है, मैया का आशीर्वाद उन्हें मिला है, तो आप यह पोटली अवश्य ऑर्डर करें, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर अवश्य फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर भी मैं नीलम दुर्गा भवानी नाम से ही हूँ, लिंक भी शेयर किया है मैंने, क्वीन ऑफ वांड्स टैरो रीडिंग इस नाम से भी मेरा चैनल है। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। आप सबसे बात कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबको मैं जो ये मैसेजेस देती हूँ, ये मैसेजेस दे करके मुझे बहुत खुशी होती है। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि यह परिवार और बड़ा हो, आप मेरे साथ जुड़े। जय माता दी, जय माँ काली, माँ काली आप सबको खुशियाँ दे। जय माता दी।